हेलो गाइस, आप कैसे हो? आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज हम आपके लिए मुख्य पाठ्यक्रम लाए हैं, वो है राजस्थान के विभिन्न विश्वविद्यालयों में आयोजित तो होने वाली प्रायोगिक परीक्षा का मॉडल टेस्ट पेपर है, जो कि बीए बीएससी तृतीय वर्ष में संचालित होता है। साथियों, सबसे पहले इस जो प्रायोगिक गोल है उस मॉडल टेस्ट पेपर का, जैसा पेपर का नेचर इस प्रकार है, समय 3 घंटे का होगा, अधिकतम अवधि 24 मार्क्स की होगी, लेकिन विभिन्न विश्वविद्यालयों में ये मार्क्स का है, जो अंक है विभिन्न अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग होते हैं। तो साथियों, साथ साथ सभी प्रश्नों के अंक समान होते हैं, प्रत्येक खंड से एक एक प्रश्न चूज करते हुए और सभी प्रश्नों के उत्तर अपन को देना अनिवार्य है। साथियों, साथ साथ ये भी ध्यान रखना है, प्रायोगिक भूगोल का जो कार्य होता है वो लगभग ब्लैक पेन से ही इसका काम लिया जाता है, तो आपको सभी विद्यार्थियों को ब्लैक पेन इसमें लाना अनिवार्य है। साथ साथ ये जो थर्ड ईयर का जो पेपर है, इसमें प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, जिसे प्रक्षेप कहा जाता है। वो प्रक्षेप टोटल ऑल ओवर जो प्रक्षेप है, ये सारे जो प्रक्षेप है यहाँ आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ये सभी प्रक्षेप है, ये जो संपूर्ण जो प्रक्षेप है, ये प्रक्षेप जो है प्रकार की सहायता से और स्टेंसिल स्केल की सहायता से तथा स्केल की सहायता से तैयार किए जाते हैं। तो अभी सभी साथियों से निवेदन है कि आप सभी एग्जाम में, प्रायोगिक परीक्षा की एग्जाम में प्रकार और स्टेंसिल स्केल तथा चांदा साथ लेके आई। तो अब अपन प्रारंभ करते हैं खंड ए। खंड ए में निम्नलिखित क्वेश्चन है और इन क्वेश्चनों का आप, हाँ, तो इसी प्रकार इसी क्रम में आप सभी को अर्थात मानचित्र प्रक्षेप बनाने के लिए प्रकार और पेंसिल की आवश्यकता है। तो आइए निम्नलिखित खंड आपके सामने, जिसमें निम्नलिखित क्वेश्चन है। प्रथम क्वेश्चन है, मानचित्र प्रक्षेप की परिभाषा दीजिए, मानचित्र प्रक्षेपों का वर्गीकरण कीजिए, रचना विधि के अनुसार प्रक्षेपों के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन है, अर्थात डेफिनेशन ऑफ ए मैप प्रोजेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्शन। अर्थात सभी साथियों को ये प्रथम क्वेश्चन करना है, प्रथम खंड का है। और सेकंड जो क्वेश्चन आपके सामने है इस प्रकार है, निम्नलिखित मापनीय एवं विवरण के आधार पर एक मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप की रचना करनी है। अर्थात इसमें सिंपल कॉनिकल प्रोजेक्शन विथ वन स्टैंडर्ड पैरेलल है। तो मित्रों, आपके सामने मापनी इस प्रकार होगी, 1:12,50,00,000 मापनी पर, जिसके मानक अक्षांश होगा 45 डिग्री उत्तर तथा क्षेत्रीय विस्तार जो पाया जाता है वो आपके सामने दे रखा है। क्षेत्रीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार इस प्रकार है, मानक अक्षांश हमने माना 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश, स्टैंडर्ड पैरेलल है 45 नॉर्थ पैरेलल है, तथा इसका जो क्षेत्रीय विस्तार है एक्सटेंशन जो पाया जाता है अक्षांशीय, अगर विस्तार अगर हम देखें तो 0 डिग्री से 75 उत्तरी अक्षांश है, तथा देशांतरी जो विस्तार इसका होगा वो 60 डिग्री पश्चिम से 60 डिग्री पूर्वी देशांतर है, एवं इन अक्षांशों के मध्य जो अंतराल पाया जाएगा वो 15 डिग्री का होगा रखा जाएगा। तो इस प्रकार ये आपके सामने एक मानक अक्षांश वाला साधन शंकु प्रक्षेप है, जिसको आपको प्रकार की सहायता से इसको तैयार करना था। सिंपल कॉनिकल प्रोजेक्शन विथ वन स्टैंडर्ड पैरेलल प्रथम था आपने, मैप प्रोजेक्शन एंड क्लासिफिकेशन था, द्वितीय आपके सामने जो क्वेश्चन हुआ, द्वितीय क्वेश्चन हुआ एक मानक अक्षांश साधन शंकु प्रक्षेप, जिसकी आपके सामने ये मापने दे रखी है। इसी क्रम में नेक्स्ट जो आपका जो थर्ड जो क्वेश्चन है, वो थर्ड क्वेश्चन आपका इस प्रकार रहेगा, ये आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपके सामने दे रखा है मापनी है, 1:12 वही है 12,50,00,000 से 2 मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप की रचना करनी है। अर्थात पहले था 1 स्टैंडर्ड पैरेलल, अब 2 स्टैंडर्ड पैरेलल, अर्थात 2 मानक अक्षांश है, पहले थे 1 मानक अक्षांश वाला, अब 2 मानक अक्षांश रखते हुए आपको एक कॉनिकल प्रोजेक्शन को तैयार करना है, जिसकी अक्षांश विस्तार इस प्रकार है, 20 डिग्री उत्तर से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तथा देशांतर विस्तार है 60 डिग्री पूर्व देशांतर से 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य रखा गया है, तथा इनके मध्य जो अंतराल है प्रक्षेप के मध्य अंतराल है 10 डिग्री का, अगर 10 डिग्री का अंतराल रखा गया, और इस अर्थात यह है कॉनिकल प्रोजेक्शन विथ 2 स्टैंडर्ड पैरेलल, मतलब पहले था 1 स्टैंडर्ड पैरेलल, अब था 2 स्टैंडर्ड पैरेलल। तो ये आपका आपका अखंड था। इसी प्रकार जो बैखंड है,
इसमें निम्नलिखित क्वेश्चन है आपका आता है, जैसे चौथा जो क्वेश्चन है आपके सामने, 1:30 करोड़ मापनी पर, आपके सामने 30 करोड़ है, इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, अर्थात 30 करोड़ 1:1 आ रहा है अपने सामने, 1:30 करोड़ मापनी द्वारा संसार का मानचित्र बनाने के लिए एक सम दूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप की रचना करनी है, अर्थात जिसमें अक्षांश एवं देशांतर अंतराल 15 डिग्री का, अर्थात किसकी करनी है, सम एक एक सम दूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप, अर्थात इसको कहा है सिंपल या सिलिंड्रिकल इक्विडिस्टेंस प्रोजेक्शन है। अब इसका जो ये जो आपको तैयार करना है बैकखंड में, इसी प्रकार आपका नेक्स्ट है, वो नेक्स्ट 5वें नंबर का जो क्वेश्चन है, मापनी आरएफ है 1:35 करोड़, अर्थात 35 करोड़ मापनी पर एम इसके मध्य अंतराल है, 30 डिग्री अंतराल है, पर एक संसार का मानचित्र बनाने के लिए एक बेलनाकार समक्षेत्रीय प्रक्षेप की रचना करनी है, था सिलिंड्रिकल इक्विडिस्टेंस एरिया प्रोजेक्शन, पहले था इक्विडिस्टेंस प्रोजेक्शन का, अब तो ये था सिलिंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन है। इसी प्रकार नेक्स्ट है आपका 6 जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन इस प्रकार है, मापनी आधार आर एफ 1:30 करोड़ मापनी पर संसार का एक मानचित्र बनाना है, उस मानचित्र कौन सा बनाना है, एक बेलनाकार यथाकृतिक अथवा मर्केटर प्रक्षेप की रचना करनी है, जिसमें अंतराली अक्षांशीय जो देशांतरीय अंतराल है प्रक्षेप का अंतराल है 20 डिग्री, अतः 20 डिग्री का अंतराल है, कितना 20 डिग्री का, तो आपको क्या करना आर एफ तैयार करना है 30 करोड़ मापनी पर, उसमें एक संसार का मानचित्र बनाना, वो कौन सा प्रक्षेप उसमें तैयार करना, बेलनाकार यथाकृतिक अतः मर्केटर प्रक्षेप तैयार करना, मर्केटर अतः जिसमें 20 डिग्री का अंतर, मर्केटर या सिलिंड्रिकल ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन तैयार करना है। इसी प्रकार नेक्स्ट जो आपके सामने जो क्वेश्चन है, आपके जो सामने ये आपके सामने रखा गया, अब नेक्स्ट इसी प्रकार 7th जो क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन है, 7वां नंबर का जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, 7वां नंबर क्वेश्चन है, मापनी आर एफ 1:20 करोड़ पर उत्तरी गोलार्ध के को प्रदर्शित करने के लिए एक ध्रुवीय है मध्य सम दूरस्थ प्रक्षेप की रचना करनी है, अंतराल 20 डिग्री का है, अतः पोलर जेनिथल इक्विडिस्टेंस प्रोजेक्शन की रचना करनी है अपने को। इसी प्रकार गाइड नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने ज्योग्राफी का है, जो आपको प्रायोगिक भूगोल का है, वो 8 नंबर का है, वो इस प्रकार, मापनी आर एफ 1:20 करोड़ मापनी पर उत्तरी गोलार्ध का मानचित्र बनाने के लिए, अतः उत्तरी गोलार्ध का मानचित्र बनाने के लिए एक ध्रुवीय है मध्य सम क्षेत्र प्रक्षेप की रचना करनी है, जिस प्रक्षेप का अंतराल 30 डिग्री है, अतः पहले वाले में था पोलर जेनिथल इक्विड डिस्टेंस प्रोजेक्शन सम दूरस्थ प्रक्षेप था, यहाँ सम क्षेत्र प्रक्षेप है, था पोलर जेनिथल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन की रचना करनी है। इसी प्रकार नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, अच्छा 9 नंबर का जो क्वेश्चन है, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित क्षेत्र का आर एफ या मापनी 1:1 आपके सामने दे रखा है 22,50,00,000, अपन इसको एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं, कितने इकाई, दाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, अर्थात 22,50,00,000 मापनी पर मानचित्र बनाने के लिए एक नौमनिक ध्रुवीय है मध्य प्रक्षेप की रचना करनी है, जिसका आर एफ कितना है 22,50,00,000, इसका प्रक्षेप अंतराल कितना होगा 20 डिग्री, अतः इसको इंग्लिश में कहा जाता है नौमनिक पोलर जेनिथल प्रोजेक्शन, इसको तैयार करना। इसी प्रकार खंड है इसमें 10 नंबर का जो क्वेश्चन है, मापनी अतः आर एफ 25 करोड़ मापनी पर संसार का मानचित्र बनाने के लिए एक सेनुसाइड प्रक्षेप की रचना करनी है, प्रक्षेप का अंतराल 15 डिग्री है, अतः सेनसॉन फ्लेमिड स्टीड नाम के विद्वान इसकी रचना के लिए, इसलिए इसको सेनुसाइड प्रक्षेप कहा जाता है, तो ये एक प्रक्षेप आपको खंड उसमें तैयार करना है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने, मापनी आर एफ 1:12,50,00,000 पर उत्तरी गोलार्ध का मानचित्र बनाने के लिए लंब कोणीय ध्रुवीय खय मध्य प्रक्षेप की रचना करनी है, तथा प्रक्षेप अंतराल 15 डिग्री, अतः आपको कौन सा करना है, अर्थात आपको उत्तरी गोलार्ध का मानचित्र बनाना है, उसमें भी लंब कोणीय ध्रुवीय खय मध्य प्रक्षेप रचना करनी है, अतः इसको कहा जाता है ऑर्थो
और तो ग्राफिक पोलर जेनिथल प्रोजेक्शन की रचना करनी है। इसी क्रम में आपके जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का क्वेश्चन है। अब ये जो 12 नंबर के हैं वो आपके जो ज्योग्राफी में जो प्रायोगिक भूगोल में सभी लगभग चाहे BA प्रथम वर्ष हो तृतीय वर्ष हो सभी में एक सर्वे चलता है। तो सर्वे है आपका यहाँ प्लेन टेबल। प्लेन टेबल सर्वेक्षण को परिभाषित कीजिए। प्लेन टेबल सर्वेक्षण में काम में आने वाले विभिन्न उपकरणों की सचित्र व्याख्या करनी है। अतः कौन सा क्वेश्चन है 12 नंबर का प्लेन टेबल सर्वेक्षण है। उस सर्वेक्षण को परिभाषित करना है कि प्लेन टेबल क्या है तथा प्लेन टेबल में जो काम उपकरण काम आते हैं अर्थात प्लेन टेबल सर्वे में जितने भी इक्विपमेंट काम आते हैं उन इक्विपमेंट का उसमें क्या वर्णन करना है सचित्र। जैसे आपका जरी है फीता है ट्रप कंपास है इसके अलावा एरो है पुष्पिन है चार्ट है ये सारे इसमें लिखने हैं। तो ये क्या है डेफिनेशन ऑफ प्लेन टेबल सर्वे एंड एक्सप्लेन ऑफ इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड फॉर द प्लेन टेबल सर्वे। अर्थात प्लेन टेबल सर्वे के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है कौन कौन सी उपकरण की आवश्यकता होती है इंस्ट्रूमेंटों की आवश्यकता होती है उनका इनमें एक्सप्लेन सचित्र करना। नेक्स्ट यही क्वेश्चन आपका है अर्थात 13 नंबर का क्वेश्चन है। 13 नंबर का जो क्वेश्चन है इस प्रकार है गाइज प्लेन टेबल सर्वेक्षण की किन किन विधियों का प्रयोग किया जाता है। प्लेन टेबल सर्वे है उनमें कौन कौन सी विधियाँ आता है एक प्लेन टेबल सर्वे करना है तो ये प्लेन टेबल के लिए कौन कौन सी विधियाँ हैं उन विधियों का इसमें अपन को क्या करना है वर्णन करना है। इस सर्वेक्षण की विभिन्न विधियों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए तथा प्लेन टेबल सर्वे के गुण एवं दोष की विवेचना कीजिए। अर्थात 13 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है प्लेन टेबल सर्वेक्षण में किन किन विधियों का प्रयोग किया जाता है। इस सर्वेक्षण की विभिन्न विधियों की संक्षिप्त व्याख्या करनी है तथा प्लेन टेबल सर्वे के गुण एवं दोषों की विवेचना कीजिए। अर्थात इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है मेथड ऑफ प्लेन टेबलिंग। मेथड ऑफ प्लेन टेबलिंग एंड मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ प्लेन टेबलिंग सर्वे। तो गाइज ये आपके सामने जो मैंने आपके सामने रखा ये आपके जो विभिन्न विश्वविद्यालयों में आयोजित होने वाली प्रायोगिक परीक्षा का मॉडल टेस्ट पेपर है। तो गाइज इसी प्रकार देखते रहिए। धन्यवाद।